नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणपुर में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब पैदल जा रहे युवक को ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में युवक की मौत हो गई, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन पहुंची है और लोगों को समझाइश देने का काम कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चारों तरफ अतिक्रमण होने के चलते सड़कें सकरी हो गई हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती है। और यही कारण रहा कि अरुण द्विवेदी नाम के पैदल जा रहे युवक को ऑटो चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों का और प्रशासन का क्या कहना है। इनके साथ चले जाओ दादा के साथ, ठीक है। अरे तो अपना मुंशी है ना, अरे घटना एक्सीडेंट हुआ है। मांग हमारी ये है कि यहाँ पे राजन शुक्ला जी आए और कलेक्टर साहब आए। राजन शुक्ला से ही फोन में बात हुई तो राजन शुक्ला साहब ये बोलते हैं कि पब्लिक को क्यों परेशान करते हो, मर गया तो मर जाने दो, रोड में बैठे रहो। क्या करोगे, बैठे रहोगे और क्या करोगे, बैठे रहो कीचड़ में। उसकी पत्नी को कैंसर है और उसके आदमी खत्म हो गए, घर के खुद अकेले का कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसकी कोई ना कोई मुद्दा ही जाए। नहीं, जनता इस प्रकार से रुष्ट है कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ा आंदोलन होगा। जनता जब तक नहीं उठेगी, जब तक जाम लगे, राजन शुक्ला मंत्री जी आके कुछ न कुछ आश्वासन नहीं देंगे, तब तक। अरुण झा के फोटोग्राफर ले रहे हैं आपका नाम। मेरा नाम मनोज तिवारी, पप्पू सरपंचपुर सरपंच कोठी। हुआ है ऑटो से और ये जाम लगा हुआ है, इनके मुआवजे की मांग है। यहाँ पे मुआवजा दिया जाए उसके आके, और उसकी मिसेज जो है कैंसर से पीड़ित है, उसकी दवाई कराई जाए और उसके बच्चे को कुछ रोजगार दिया जाए। उसका क्या नाम है, उनका क्या नाम, मृतक का क्या नाम? मृतक का अरुण द्विवेदी। आप उनके क्या लगते हैं? हम गांव के भतीजे लगते हैं, बगल में हमारा, उनके बगल में हमारा घर है। हमारे यहाँ जाम की स्थिति का कारण है कि हमारे बड़े भाई अरुण द्विवेदी का कल एक्सीडेंट से मौत हो गई। जिन कारणों से सड़क दुर्घटना हुई है, गाँव वालों की मांग है उन कारणों को ठीक किया जाए। उनका ज्ञापन तैयार हो रहा है, उसके बाद वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे और प्रयास किए जाएंगे कि अगली कोई सड़क दुर्घटना इस रोड पर। अरुण द्विवेदी नाम है। सर, परिजनों की क्या मांगे हैं? परिजन तो अभी कोई सामने है नहीं, हमारा गाँव वाले हैं और उनकी मांग यही है कि अतिक्रमण हटाया जाए, मुआवजा दिया जाए, वो सब चल रही है। नहीं, अगर आप ये मानते हैं कि सड़क दुर्घटना हुई है जहाँ व्यापार है और थाना भी क्षेत्र है और दुकान अतिक्रमण में थी, अगर पहले हटा दिया जाता ये आता ना होता तो मुझे। नहीं, ये जो है गांव, ये जो दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं वो भी कोई विदेश से नहीं आए हुए, इसी गांव के लोग हैं, जो आपस में समझा के से भी ठीक किया जा सकता था। प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी भी की जा रही है और प्रशासनिक जो स्तर के काम है वो तत्काल आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।